दुनिया न्यूज से मैं मुनीब फारूक नाजीन ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब की याद में आप जमात इस्लामी के सबक अमीर थे और नहायत उमदा शख्सियत के मालिक थे जमात इस्लामी से उनका जो लिंक है जो रबता है वो इंसेप्शन के वक्त है यानी कि उन्नीस सौ इकतालीस के वक्त से है और उनकी ग्राह कदर खिदमत हैं इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो सिर्फ डिक्टेटर्स के खिलाफ ही नहीं मुख्तलिफ़ दीनी और मजहबी जो तहरीकें हैं मुख्तफ सियासी तहरीकें हैं उनमें उनका बहुत अहम किरदार रहा है और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कभी जिस हद तक भी वो रेजिस्टेंस दिखा सकते थे मूवमेंट्स के अंदर वो कभी उससे पीछे नहीं हटे बल्कि जहाँ पर भी एक पॉलिटिशियन एज ए रिलीज स्कॉलर जहाँ पर भी उनको महसूस हुआ कि उनकी जरूरत है वो सेंट्रल लीडरशिप के अंदर मौजूद रहे आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है और आज ये जो तो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है ये उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तरतीब दिया है और इसमें हम बात करेंगे कि उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर हमारे मुल्क की जो बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स है उसके अंदर और उनके वक्त में जमात इस्लामी की जो क्यादत थी वो किस तरह की थी उस वक्त एडालोजी क्या थी यकीनी तौर तो पर अब भी वही है लेकिन फ़र्क क्या आया है और जिनकी खिदमत रही हैं वो किस हद तक साबित हुई हैं इस हाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सबक अमीर जमात इस्लामी जनाब काीजी हुसैन अमद साहब काजी साहब बहुत शुक्रिया आपीफ लाये उनके साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुरहमान शामी साहब जो कि एक एनलिस्ट हैं शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका उनके साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब जो कि एक सीनियर सहााफ़ी एनलिस हैं बहुत शुक्रिया अमीर साहब आफ्त लाये काजी साहब आप शुरू करते हैं जिस तरह का ताल्लुक आपका था मियाँ साहब के साथ और बड़ी पुरानी एसोसिएशन थी मीर साहब मियाँ साहब जो थे वो अमीर भी थे दूसरे अमीर मुंतब हुए जमात के किस तरह की शख्सियत थी मियाँ साहब की जी वैसे भी इब्तदाई ताल्लुक मेरा उनके साथ कारकुन का था मैं कारकुन था वो लीडर थे मुझे और मैं जब वो अमीर बने हैं जमात के तो मैं जमात का उस वक्त कारकुन था फिर मैं जमात इस्लामी पेशावर शहर का अमीर हुआ फिर सूब सरद की जमात का जनरल सेकटरी फिर जमात इस्लामी सूब सरद का अमीर फिर दस साल तक उनके साथ सेकटरी जनरल के तौर पर मैंने काम किया तो एक लॉन्ग और एक बहुत लंबी एसोसिएशन इस पूरे अरस के अंदर जो बात हमेशा के लिए आ, मेरे सामने उनकी आई वो ये कि वो एक मुखलस आदमी है उनके जाहिर और बातन में कोई फ़र्क नहीं है थे। वो जो कुछ दिल से समझते हैं वही उसका इजहार करते हैं और वो बिल्... स्ट्रेट फारवर्ड जिसको कहते हैं बिल्कुल जो यानी दिल में है वही ज़ुबान पर है और यही अखलास उस उनका जो खसूसी एक कैफियत थी एक। उसके साथ वो ज़रूरतमंद थे और बहादुर थे और उसके साथ वो इबादत गुजार थे यानी ये दोनों क्वालिटीज़ जिंदादार और बहादुरी और जरत मरद मैदान ये बहुत रेयर कम लोगों में हो जाएंगे मैंने उनके अंदर ये बदर्ज आदम मौजूद पाई है अखलास इबादत और जरत शामी साहब जिस तरह खाली साहब ने फरमाया कि बहुत जरूरतमंद इंसान थे आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को इस जरूरत थी उनकी इस वजह से जो उनकी स्ट्रॉग फोटिंग थी इसकी वजह से रेजिस्टेंस का सामना भी रहा आ, किस मतलब सियासी हवाले से जिस तरह से वो मंदाना उनके फैसले थे जिस तरह से वो डट जाते थे अपने किसी भी स्टांस के ऊपर देखिए मियाँ तफाल अहमद साहब मौलाना मौदूदी की एक एक्सटेंशन थे आप समझा मौलाना मौदूदी के वो बहुत करीब रहे और उनके साथ वो सेक्रेटरी जनरल थे जब मौलाना अमीर थे वो सेक्रेटरी जनरल थे उसके बाद मौलाना के जानशीन बने वो यानी मौलाना जब दस्बरदारी इख्तियार कर ली उन्नीस सौ बहत्तर में अपनी सेहत की खराबी की वजह से जमात से तो उनके उनकी जगह वो अमीर मुंतब हुए और एक खासा अरसा उन्होंने उनकी रहनुमाई में एक लिहाज से अमारत के फ़रज़ अंजाम दिए लेकिन एक देखिए एक होती है इंसान के अंदर एक अपनी ताकत होती है किरदार की ताकत वो जो किरदार की ताकत है वही उसे बहादुर बनाती है जो आदमी अंदर से चोर होता है वो बहादुर नहीं हो सकता खौफ इंसान के अंदर होता है बाहर नहीं होता तो मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद जो थे उनके जो मुखालिफ हैं उनसे इख्तलाफ करने वाले भी इस बात से इतफ़ाक करते हैं कि वो एक लियत से भरपूर शख्सियत थी यानी उनकी जो जुबान पर होता था वो उनके दिल में होता था जो दिल पर होता था वह जुबान पर होता था यानी एक वो एक पंजाबी में एक ख़ास अंदाज होता है यानी वो जो बेधड़क अपनी बात क्या गुजरते थे उनका एक लहजा जो था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें एक खबालस पंजाबीत गालिब होती थी देखानियत भी आप कह सकते हैं वो पंजाबी उर्दू जो थी उनकी और उनकी अंग्रेजी जो थी वो पंजाबी लहजे में बोलते थे जिस तरह इकबाल के बारे में भी कहते हैं ना कि उनकी उनके यहाँ एक जुबान का जो स्लूप था उस पर पंजाबीत गालिब थी और इसी तरह मियत तो मोहम्मद जो थे वो एक मखसूस अंदाज रखते थे अपनी बात करने का और बेधड़क अपनी बात कह गुजरते थे तो उनके उनकी जो देखिए उन्होंने पहले दिन से जो ताल्लुक दौड़ा है जमात इस्लामी के साथ आखिरी सांस तक वो ताल्लुक कायम रहा है यानी वो गालिब ने कहा है ना कि वफ़ादारी बेषर्त उसवारी असलीमा है जो मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को तो उनकी जो कमिटमेंट है देखिए बहुत से लोग ऐसे जमात इस्लामी में थे जिन्होंने जमात से इख्लाफ किया बड़े लोग थे मौलाना अमीर इस्लाही नईम सद्दीकी डॉक्टर इसरार अहमद कई दूसरे लोग और लेकिन वो शुरू दिन से आखिर तक जो रास्ता उन्होंने मुंतखब किया था उस पर पूरी पाबंदी के साथ चलते रहे वो बुतखाने का रास्ता नहीं था अलहिला से सैरात मुस्तकीम को अपना लिया। तो वो, वो सार्थ सार्थ उसी पर सार्थ सार्थ पर एक ब्रेक लेने साहब मैं आपकी तरफ भी आऊंगा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर साथ